So hello friends and welcome to Inspiration Arts. My name is Saurav Saha. For today's video, I will show you a composition drawing for BFA. And this is a whole video in which I will tell you about the composition of the whole composition and how I prepare it and color it. So for this, it can take a little time, but let's start. So today's topic is fair. यानी कि मेला. तो इसमें मैंने सोचा है कि होना चाहिए एक रोलर कोस्टर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जो एक्सप्रेशन से पीपल के फेसेस पे वो काफी अच्छे चाहिए, और उसके साथ साथ जो लोग होंगे उसे हमें थोड़ा सा बड़ा भी दिखाना है, और एक्शन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोज दिखाना है. तो इसके लिए हमने रोलर कोस्टर चूज किया. आप चाहे तो कुछ भी चूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ये चूज कर रहा हूँ. और मैं जो पेपर यूज कर रहा हूँ वो है न्यूज लेटर पेपर, जो कि मैं बस रफ चीजों के लिए यूज करता हूँ. और अभी मैं चारकोल से ड्रॉ कर रहा हूँ. तो सबसे पहले मैंने इसे पोर्ट्रेट फॉर्म में ड्रॉ करने के लिए सोचा है, क्योंकि उससे ही वो अच्छे से दिख सकते हैं. आपकी मर्जी, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. तो मैंने सोचा कि रोलर कोस्टर जो है वो ऐसे हमारे सामने एक ऊंचे जगह से आ रहा है, तो हमारा जो पाथ होगा वो इस तरह का होगा. काफी जेस्चरल और पर्सपेक्टिव काफी ज्यादा बड़ा होगा पर्सपेक्टिव, और क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो काफी ज्यादा स्पीड में होगा, तो हमें जो पीपल के मुंह पे एक्सप्रेशंस मिलेंगे वो काफी मजेदार और डरावने मिलेंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा. तो चलिए अभी जो हमारा रोलर कोस्टर है उसे बनाना स्टार्ट करते हैं. तो ऐसे हम बस एक बॉक्स बना लेते हैं रोलर कोस्टर के लिए, और ये जो सर्कल्स आपको दिख रहे हैं ये होंगे हमारे लोग. ऐसे करके बस एक जेस्चरल लाइन बना लेते हैं लोगों के लिए. आप कोस्टर को थोड़ा और बड़ा कीजिए. हर सीट पे दो जन ऐसे होंगे. अभी हम बस उनकी पोजीशन को तय कर रहे हैं, एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस और उनके जो ड्रेसेस है वो हम बाद में देखेंगे. आप देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, ट्रैप्ड है रोलर कोस्टर में, जैसे कि एक्चुअली में वहां पर होती है सेफ्टी के लिए. यहाँ पर हाथ आएंगे. आप देख रहे हैं कि जो पहले स्टेप्स है इसमें मैं बिल्कुल भी केयरफुली ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, जितना हो सके उतना रफली अपने माइंड में है जो उसको थ्रो कर दे रहा हूँ बस पेपर पे. आप देखिए कि जितना आप पर्सपेक्टिव को डिस्टॉर्ट करेंगे आपकी जो इमेज है वो उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगी. तो ये ऐसे करके दूसरा सीट, इस पे कुछ और लोग और पहले वाले से छोटे थोड़े, वो भी ऐसे करके ट्रैप्ड है. ये रहा दूसरा वाला, ऐसे और भी कुछ लोगों के बस आप पोस्चर बना दीजिए. आप इतना काफी रहेगा, ठीक है, स्टार्टिंग के लिए इतना काफी रहेगा. तो ये हमारा एक रफ जो रोलर कोस्टर है वो बन गया, ठीक है. अभी उसके साइड आसपास का एनवायरनमेंट कैसा होगा वो भी हमें सोचना है, ठीक है. तो रोलर कोस्टर का इधर जो सपोर्ट है वो ऐसे आ जाएगा, तो ये हमारे लिए ऐसे काम कर सकते हैं. तो इसके बाद क्या करेंगे हम, जो बाकी जो फेयर है, क्योंकि ये मेला है, बस हम रोलर कोस्टर अगर दिखाए तो हमें पूरा इमेज नहीं मिलेगा कि इधर क्या हो रहा है. तो इसके लिए हमें जो बाकी सीन है पूरे फेयर का उसमें भी उसको भी दिखाना पड़ेगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक इमेजिनरी फेयर की सिचुएशन को क्रिएट करेंगे अपने पिक्चर पे. तो सबसे पहले क्योंकि ये रोलर कोस्टर इस तरफ है
तो आप क्या कीजिए, इस तरफ एक ऐसा सर्कल बना दे रहे हैं और ऐसे करके ये कोई भी सर्कस या जो कोई भी एक ऐसा हॉल है जहां पर कुछ हो रहा है, हो सकता है यहाँ पर सर्कस हो रहा हो या फिर जो रोलर कोस्टर का है वहां पर ही जो टिकट काउंटर हो कुछ हो, तो ऐसे यहाँ पर। और आप देखिए सब कुछ टॉप व्यू से होगा क्योंकि ये ऊपर से आ रहा है तो टॉप व्यू से होगा। और हमें क्या दिखाना है कि जो रोलर कोस्टर है ये पूरे पूरे जो फेयर है उसमें हर जगह पे बिखरा हुआ है और बिछा हुआ है, तो इसलिए हम इसे ऐसे बना रहे हैं। ये रहा हमारा जो सर्कस है। और क्योंकि हमारा व्यू पॉइंट इतना ऊपर है तो हमारा जो वैनिशिंग पॉइंट है हम उसे इधर इतना ऊपर रखते हैं, तो इस तरफ हमारा वैनिशिंग पॉइंट है और यहाँ बस हमारे जो स्काई एंड स्टफ होंगे वो होंगे। ठीक है, थोड़ा सा कर्व दिखा रहे ताकि मतलब एक मतलब एक जो ऊपर से देख रहे हो वैसा एक व्यू आए। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर से लेंस बना देते हैं जैसे कि राइट्स यहाँ पर हो। और यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी मेले में एक ना एक व्हील तो होता ही है जिसपे बिग व्हील जो है झूला ऐसे, तो उसको भी आप दिखा दीजिए। काफी दूर है इसलिए थोड़ा छोटा भी आप रख सकते हैं। ठीक है, और यहां से बाकी जो मेले में स्टॉल्स वगैरह हैं वो सब होंगी और यहाँ पर कुछ लोग होंगे वो सब हम कलर में संभाल लेंगे। तो ये हमारा एक रफ, काफी ज्यादा रफ एक डायग्राम बन गया। इसके बाद हम इसमें चलते जो पीपल के एक्सप्रेशंस कुछ भी हो उसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिसाइड करते कि ये लड़का होना चाहिए ये लड़की होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ऐसे, क्योंकि हवा में बहुत ही स्पीड है तो ये इसके बाल ऐसे उड़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसका मुंह बहुत ज्यादा खुला होना चाहिए क्योंकि ये पूरा डरा हुआ है और चिल्लाया है इसलिए इसका मुंह ऐसे खुला हुआ है। ठीक है, थोड़ा कार्टूनिश लग सकता है क्योंकि एग्जैजरेट कर रहे हैं हम अपने पोजेस को इसलिए थोड़ा कार्टूनिश लग रहा है। तो ऐसे हम हमने ये पहला कैरेक्टर ड्रॉ कर लिया। इसके जो शर्ट या जो भी ड्रेस है वो खुल खुल गया है और पूरा हवा से उड़ रहा है और इसके आईब्रोज जो है वो भी काफी ऊपर है। ऐसे हम बनाएंगे इसे डरा हुआ। ठीक है, तो ऐसे जो क्लैंप्स थे ठीक, तो ये यहाँ पर दूसरी जो है वो लड़की है एक। ठीक है, तो इसके लिए इसका फेस, इसके भी बाल तो लंबे होने चाहिए तो इसके बाल जो होंगे ऐसे लहरा रहे होंगे और थोड़ा सा आप जैसे भी ये बाल को लहराता हुआ दिखा सकते हैं कलर से, ये और अच्छे से दिख सकता है। इसके बाद
फेस को ऐसे सर्कुलर बनाते हैं हम नोज, और इसको थोड़ा सा मजा करते हुए दिखाएंगे। ये भी चिल्लाड़ी होगी लेकिन थोड़ा सा हैप्पी, तो थोड़ा सा स्माइलिंग है, और ये पूरा डर के चिल्ला रहा है, ऐसा एक हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं। तो इसकी आंखें ऐसी, और गला ऐसे जाके, आप कुछ यहाँ पर ज्वेलरी दिखा सकते हैं जो कि इसने मेले में ही खरीदे होंगे। और इसके बाद हम इसके हैंड्स पे आते हैं, तो हैंड ऐसे करके ये जो यहाँ पर सपोर्ट हमने बनाया है इसको काफी जोर से ग्रैब किया होगा, ये दूसरा वाला हैंड ऐसे छूट रहा है, मतलब ये पकड़ नहीं पाया, ऐसे छूट गया है ये दूसरा वाला हैंड। इसे रफली पस बना लीजिए, ठीक है। हैंड काफी प्रोपोर्शनेट नहीं है, काफी बड़ा दिख रहा है, इसे हम फाइनल स्केच में ठीक कर लेंगे, ठीक है। और इसका जो हाथ है ये काफी, इसने भी इसे पकड़ रखा है लेकिन ये इंजॉय कर रही है, इसलिए काफी थोड़ा सा रिलैक्स्ड बनाना है। इसने पकड़ रखा है इसको जो कार्ड है हमारा, लेकिन फिर भी आराम से रिलैक्स्ड है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा डायनेमिक हमारे पूरे ड्राइंग में ड्रॉ कर रहे हैं। तो फिर ऐसे फिर बॉक्स को अच्छे से डिफाइन कर देते हैं। इतने में बस हमारा जो मेन फिगर्स थे वो हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंडरी टर्शरी फिगर्स थे तो उनके फेसेस को हम बस ऐसे स्माइलिंग दिखा देते हैं, उनके भी बाल कुछ उड़ रहे होंगे, हाथ उन्होंने ऊपर रखा है, इसे एंजॉय कर रहे हैं। आप कुछ भी बना सकते पीछे, और ज्यादा डिटेल्ड पीछे मत बनाने जाइए, उसको सिंपल रखिए क्योंकि वो हमारे मेन फिगर्स में ही है। तो आप ऐसे इसको बना सकते, आप अगर थोड़ा सा और बड़ा कर दे इस लड़की के बाल को, पीछे वाला जो फिगर है वो ज्यादातर ढक ही जाए, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा वाला, अब इसे अभी थोड़ा आप डरा सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। इसके भी हाथ ऊपर ऐसे है, और बस लास्ट डे ऐसे आप बना दीजिए, ठीक है। तो इतना में हमारा पूरा हो गया रफ स्केच। ठीक, तो ये अभी के लिए ऐसे ही ठीक लग रहा है। तो ये जो खाली जगह है इन सब में भी आप कुछ भर सकते हैं। मेले में कुछ भी हो आप इधर बड़ा बनाइए और धीरे धीरे छोटे करते जाइए चीजों को, क्योंकि गैप से भी कुछ दिख रहा होगा। तो ऐसे हमारा जो रफ स्केच है वो बन चुका है। अभी इसी को हम लेके अपने नोटबुक में फेयर करके अच्छे से एक ड्राइंग बनाएंगे, तो उसको चलिए स्टार्ट करते हैं।
So okay friends, now we have our rough sketch ready there, and now we will do it fair in our drawing notebook. Okay, तो यहाँ पर मेरे पास जो नोटबुक है ये काफी नॉर्मल से नोटबुक है जो कि मैंने शांतिनिकेतन से खरीदा था. काफी मोटा पेपर है और इसमें हम वाटर कलर अच्छे से कर सकते हैं. आप भी ऐसा कोई पेपर लीजिए जिसमें वाटर कलर अच्छे से हो सके, या फिर जो भी कलर आप इसमें करना चाहें तो अच्छा होगा, क्योंकि फिर बाद में आपका ड्रॉइंग अगर फिक्स हो जाए उसके बाद आपको फिर पेपर की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी. तो चलिए शुरू करते हैं. जैसे कि हमारे जो रफ स्केच थे उसमें मैंने ये बनाया था कि ऐसे हमारा जो रोलर कोस्टर है वो जा रहा है और पीछे फेयर का पूरा सीन दिख रहा है. ठीक है, मुझे सब कुछ इसमें ठीक लगा, बस जो रोलर कोस्टर था उसका जो पाथ था उसे वो मुझे उतना पसंद नहीं आया था. तो इसके लिए मैंने कुछ और ड्रॉ किए हैं. एक ऐसा पाथ, ये काफी इंटरेस्टिंग पाथ है, इसमें हम साइड में सब दिखा सकते थे, लेकिन ये पाथ मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा और ये काफी डायनामिक भी दिख रहा है. हम इन दोनों में से कोई एक पाथ यूज कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले उसी तरह से जैसे हमने पहले किया था, जेस्चरल लाइन से अपना पाथ ऐसे सोचिए कि कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है. जितना चाहे उतना इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश कीजिए, तो आपका पार्ट भी जितना कर्वी और इंटरेस्टिंग होगा आपका इमेज भी उतना इंटरेस्टिंग बनेगा. ये हमारा फाइनल स्केच होगा जिसके ऊपर हम अपनी जो कलर है उसे करेंगे. तो इसमें आप जितने चाहे उतने चेंजेस ठीक से कीजिए, रबर का यूज कीजिए, लेकिन जो हमारा जो रफ स्केच था उसमें हमने इरेजर का इस्तेमाल नहीं किया था और बिल्कुल ही जेस्चर रखा था. वो जरूरी है क्योंकि जो हमारे फर्स्ट स्टेप्स है उसमें हमें बस माइंड से थिंक नहीं करना, जो हमारे माइंड में आ रहा है उसे बस पेपर पे जितना भी खराब वो दिखे बस उतार देना. तो ऐसे क्या होता है कि हमारा जो फुल्ली जो क्रिएटिव माइंड है वो काम करता है और हमारा ड्राइंग काफी अच्छा बनता है. ठीक है, तो ये कर्व मुझे ठीक लग रहा है, ये कर्व काफी अच्छा दिख रहा है. तो ठीक है, तो ऐसे हम अपने कर्व को रहने देते हैं. इसके बाद अभी हमारा जो एक्चुअल पर्सपेक्टिव है हम उस पर काम करते हैं. तो पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि जो दूर के चीज है वो छोटे होते जाते हैं और धीरे धीरे हमारा जो लाइन्स है वो बड़े होते जाते हैं और इससे हमें एक सेंस ऑफ डेप्थ मिलता है.
ठीक है, तो अभी हम हमारा रोलर कोस्टर ड्रॉ करते हैं, तो हम इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किसी भी शेप में बना सकते हैं, किसी भी साइज में बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा नोज दे दिया और यहाँ पर एक आई, एक कार्टून टाइप का हम ये रोलर कोस्टर बना रहे हैं। अगर आप चाहे तो नॉर्मल रोलर कोस्टर भी बना सकते हैं, मुझे लग रहा है ऐसा ही होना चाहिए। मैं भी यहाँ पर डायरेक्टली अभी अभी सोच रहा हूँ और उसी साथ साथ बना भी रहा हूँ, तो इसमें आप देखेंगे कि कई बार मैं कई सारे डिसीजंस लेता हूँ फिर मिटा भी देता हूँ उसे। ठीक है, अभी ये एक 2D शेप है हमारे जो रोलर कोस्टर है उसका, तो उसको हमें 3D बनाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे उसको साइड एजेस देते हैं, तो ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है रोलर कोस्टर का वो ऐसे। उसके बाद यहाँ पर हम अपने जो ह्यूमंस है उनको प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसका हेड का क्या पोजीशन होगा वो हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अभी हेड के हिसाब से पूरा बॉडी कैसे होगा वो भी हम प्लान करते हैं। तो क्योंकि हेड ऐसे है हेड के साइज के हिसाब से हम शोल्डर की पोजीशन को मैप आउट करते हैं और वैसे ही है प्लेस करते देते हैं। इस प्रोसेस में जब आप रफ से अपने ड्राइंग को फेयर में कर रहे हैं, इसमें भी देखना काफी सारे ऐसे फेजेस आएंगे जहां पर आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर मैं क्या डालू, क्योंकि हमारे माइंड में जो चीज है कि मैंने सोच लिया कि यहाँ पर एक रोलर कोस्टर है। अगर मेरे पास एक इमेज होता तो मैं हर एक पॉइंट पे कैसे वो इमेज है और डिस्टेंसेस क्या क्या है कुछ भी मेजरमेंट करके या देख के ही मैं ड्रॉ कर सकता था। लेकिन जब हमारे पास ऐसा कोई काम आ जाता है जिसको आपको कम्प्लीटली माइंड से देख के बनाना पड़े या फिर सोच के बनाना पड़े, तो क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो स्टॉप हो जाता है। कुछ हमने सोच भी लिया उसके बाद भी ड्रॉ करने में उसे हमें काफी ज्यादा मुश्किल होती है, तो इसी चीज को हमें प्रैक्टिस करना है। तो हमने क्या डिसाइड किया था कि यहां पर एक लड़का होगा और दूसरी तरफ एक लड़की होगी और दोनों रोलर कोस्टर में बैठे हुए हैं, हमने ऐसा डिसाइड किया था। तो
उसी तरह से हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं बॉक्स मेथड मैनिकिन मेथड यूज कर रहा हूँ। तो सर्कल बनाने के बाद 3D शेप से हम क्या करेंगे, जो अपने ह्यूमन है उसके बॉडी को ऐसे मैप आउट करेंगे। क्योंकि रोलर कोस्टर इस तरफ जा रहा है तो उसकी जो आई की पोजीशन होगी वो ऐसी होगी और फेस की पोजीशन ऐसी होगी, इसकी भी सिमिलर होगी। देखिए जो हमारा कैमरा है वो टॉप व्यू से ऑलमोस्ट दिख रहा है, तो जो हमारा हमारे फिगर्स होंगे वो भी हमें टॉप व्यू से दिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ और फिगर्स आप दिखा दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया ह्यूमंस को दिखाने का। उसके बाद हम इसको रिफाइन करेंगे। अभी रिफाइनिंग स्टेज सबसे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हमें अभी जो ह्यूमन के फिगर है उसको अच्छे से रिफाइन करके अपने जो इमेजिनेटिव स्पेस है उसमें प्लेस करना है। देखिए हमारा जो सबसे डिफिकल्ट काम था वो था एक कॉन्सेप्ट सोचना अपने टॉपिक पे और उसको एक इमेजिनरी पिक्चर में कन्वर्ट करना, जो हमने कर लिया। उसके बाद आसान काम होता है हमें अपना रफ आउट करना और सोचना कि क्या क्या हम उसमें एलिमेंट्स डालेंगे। उसके बाद जो और एक मुश्किल काम होता है वो होता है जो हमने इमेजिन किया और जिसका रफ आउट हमने बनाया उसको एक रीजनेबल और एक बिलीवेबल सिनेरियो में पिक्चर में बदलना। ठीक है, तो उसके लिए हमें अपने ड्राइंग स्किल्स का काम करना है। तो वही पर हमारा जो स्किल का सेक्शन है वो काम आता है। बाकी जो पार्ट हमने किया वो बस क्रिएटिव प्रोसेस था, जो हमारा क्रिएटिव ब्रेन यूज होता है इसमें वो वाला प्रोसेस था। तो इसके लिए आपको काफी सारे लाइव ड्राइंग्स करने पड़ेंगे, जिसके लिए भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। मैं हर रोज स्टेशन जाके यहाँ पर बोलपुर शांति निकेतन स्टेशन जाके लाइव ड्राइंग्स करता हूँ। तो उसी तरह अगर आप काफी सारे लाइव ड्राइंग करेंगे, कुछ फिगर के पोजेस को प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो ह्यूमन बॉडी का जो फिगर है पॉस्चर है वो आपके माइंड में बैठते जाएगा और फिर आप किसी भी एंगल से ह्यूमन बॉडी को बना पाएंगे। ये काफी डिफिकल्ट और पेनफुल प्रोसेस है, मेरी भी अभी फुल्ली परफेक्ट नहीं है, मैं भी अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। धीरे धीरे आपकी भी और मेरी भी प्रैक्टिस अच्छे से होते होते बन जाएगी। हमने डिसाइड किया था कि ये यहाँ पर एक लड़की होगी, यहाँ पर एक लड़का होगा, और जो लड़की की जो बाल होंगे, क्योंकि ये काफी स्पीड में जा रही है रोलर कोस्टर, तो पूरी तरह से फ्रेजी हो जाएगी और उड़ते रहेगी। ठीक है, इस तरह से हम इसे थोड़ा दिखा रहे हैं और एक्सप्रेशंस हम लास्ट में बनाएंगे। अच्छे से हमें एक्सप्रेशंस बनाने पड़ेंगे क्योंकि इस फिगर में और इस जो ड्राइंग है उसमें एक्सप्रेशंस ही मेन है। इसने कुछ टी शर्ट जैसी पहनी हुई है, इसके पहले हाथ बना लेते हैं।
देखिए अगर आपको कोई भी सीन हो उसे बनाना है तो उसे एक्सपीरियंस भी करना पड़ेगा। तो जितने भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको मिले जिसको पे आपको प्रैक्टिस करना है, तो मेरा सजेशन है कि आप उसे जाके खुद एक्चुअली एक्सपीरियंस कीजिए, तो काफी मजा आएगा और आपकी ड्राइंग में एक रियल लाइफ की फील भी आएगी। मैंने एक बार मेले में नहीं लेकिन एक पार्क में, इको पार्क में कोलकाता के रोलर कोस्टर में चला था और जो हालत हुई थी मेरी उससे मैंने सोचा कि ये ड्राइंग बनाना जरूरी है जिसमें रोलर कोस्टर में, क्योंकि काफी मजेदार एक्सप्रेशन होंगे। क्योंकि मैंने जब चला था मुझे इतना डर लगा था और जो मजा आया था जो एक्सप्रेशंस बने थे, तो मैंने सोचा कि वो एक्सप्रेशंस मुझे इस इमेज में भी लाना है। तो ऐसा ही होता है जब आप रियल लाइफ में कोई एक्सपीरियंस लेंगे तो आपका जो एक मेमोरी बनेगी उस मेमोरी से आप इंटरेस्टिंग टॉपिक सोच के बना पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर थोड़ा मोड़ा बन चुका है। ठीक है, इसके बाद अभी हम इस लड़के पे आते हैं। ये बहुत ज्यादा डरा हुआ है लड़का, लेकिन फिर भी इसके बाल जो है वो उड़ रहे होंगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें पूरी तरीके से रियलिस्टिक ड्राइंग का यूज नहीं कर रहा, मैं थोड़ी बहुत कार्टूनिश वे का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जो एक्सप्रेशन से वो दिखाने में आसान होता है और जो फेस है वो भी बनाने में थोड़ा आसान होता है इसमें। तो थोड़ा सा अगर आप कार्टून का टच रखे, थोड़ा कार्टून बनाना सीखे तो भी काफी हेल्प होता है, क्योंकि आप देखिएगा जो एक्सप्रेशंस होते हैं कार्टून्स में वो काफी उम्दा होते हैं और हमें अच्छे से समझने में हेल्प करते हैं एक्सप्रेशंस को, और फेस के जो मूवमेंट्स है उसको जब हम बिगिनिंग में होते हैं। जब बाद में हम सब सीख चुके होंगे तब तो हमें कोई भी रियलिस्टिक भी हो तो भी अच्छे से एक्सप्रेशंस बनाने आ जाएंगे, लेकिन जब हम सीख रहे हैं तो अगर हम थोड़ी कार्टून से इंस्पिरेशन ले तो हमारी एक्सप्रेशंस काफी अच्छी बन सकती है। तो इसने काफी जोर से होल्ड करके रखा है इसको, और एक हाथ उसका ऐसे बाहर, क्योंकि वो काफी ज्यादा डरा हुआ है। और उसका हाथ छूट गया है, तो ये हमारे जो लड़के का एक रफ सा स्केच हमारे सामने रेडी है।
तो आप देख रहे होंगे जो हमारा दोनों मेन कैरेक्टर्स थे हमारे, उनके जो रफ फिगर्स है वो रेडी है। इसके बाद हम अभी अपने जो बाकी के कैरेक्टर्स है उनको भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज है कि अभी हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट फिगर्स हैं उनको डिफरेंट पोजीशंस देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर कोई अगर एक ही पोजीशन में हो और एक ही एक्सप्रेशन में हो तो काफी बोरिंग सीन बन जाएगा। किसी ने नीचे का होल जो कहते गार्ड है उसे पकड़ के रखा होगा, तो किसी ने अपने जो कंधे का गार्ड है उसको पकड़ के रखा होगा, तो किसी ने कोई गार्ड नहीं पकड़ के अपने हाथों को फैला के रखा होगा। तो ये सब हमें अपने जो बाकी फिगर्स है उसमें ऐड करते जाना है। देखिए मैं किसी के फेशियल फीचर्स अभी नहीं बना रहा, आप बस ऐसे जेस्चरल लाइन से उसके हाथों को बना दीजिए। ठीक है, तो दूसरा ये वाला फिगर अभी